दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे नदी को देखा है जिसमें पानी के साथ साथ सोना बहता हो? जी हाँ दोस्तों, नदियों के देश भारत में एक अनोखी नदी ऐसी भी है जो पानी के साथ साथ सोना बहा कर लाती है। कई दशकों से लोग इस नदी से सोना निकाल कर मुनाफा कमाते आ रहे हैं। आज भी लोग इस नदी में सोना खोजने पहुँच जाते हैं। लेकिन ये नदी कहाँ है और कैसे इस नदी से सोना निकलती है, जानेंगे इस वीडियो में पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोने की कीमत आज किसी से छुपी नहीं है। बेशक बाजार में बिकने वाला ज्यादातर सोना खदानों से आता है, लेकिन भारत की स्वर्ण रेखा नदी एक एक्सेप्शन है। इस नदी में मछली पकड़ने से ज्यादा लोग सोना निकालते हैं। जी हाँ, झारखंड के छोटा नागपुर में बसी स्वर्ण रेखा नदी सबसे अनोखी है। यहाँ रह रहे लोगों के लिए ये नदी बहुत खास है, क्योंकि ये नदी सिर्फ पानी नहीं देती बल्कि सोना भी देती है। दरअसल दशकों से इस नदी के रेत से सोना निकाला जा रहा है। वहाँ के लोग हर रोज इस नदी में उतरते हैं और इससे रेत छानकर सोना निकालते हैं और उसे बेचकर उससे पैसे कमाते हैं। ये नदी 474 किलोमीटर लंबी है। हालांकि नदी में सोने बहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ सोना पानी के तरह बहता है। दरअसल नदी में बह के आने वाले सोने की मात्रा काफी कम होती है। इतना कम कि एक आदमी महीने में 60-80 सोना का कन ही निकाल पाता है। यहाँ लोग एक कन को बेचकर 80-100 रुपए कमाते हैं। इसके हिसाब से एक आदमी के महीने की कमाई 5-8 हजार होती है। खैर, अब सवाल ये है कि इस नदी में सोना आता कहाँ से है। दरअसल ये नदी अपने जर्नी में ऐसे कई चट्टानों से गुजरती है जिनमें सोने के कन मौजूद होते हैं। ऐसे में जब नदी चट्टान से टकराती है तो फ्रिक्शन के कारण सोने के टुकड़े पानी में मिल जाते हैं और नदी के द्वारा दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। इससे साफ है कि पानी जिस चट्टान से टकराती है उसमें सोने के कण मिले रहते हैं। इसी वजह से सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोना खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।